रब की कमाई है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, मैं भी सिपाही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आप भी जो है इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं गाइस अपने फोटो के साथ, तो गाइस आपको करना कुछ नहीं, बस आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको जो है वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइस हाँ, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप जो है मटेरियल नहीं मिल पाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर ही मटेरियल मैं डाल रहा हूँ, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम के वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां से देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने यहां से काइन मास्टर ओपन करके मैंने रखा है, जो कि ये न्यू वर्जन काइन मास्टर है, तो मैंने इसे अपडेट किया है, जो कि परचेज किया है। तो अगर आप में ऐसा कुछ इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यहां से करना क्या, सबसे पहले तो क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करेंगे, और देन क्लिक करने के बाद आपको यहां पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहां से मैं ये सेकंड वाला प्रोजेक्ट दिख रहा है 9x16, देन इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके आपका फाइल में जितने भी पिक्चर वीडियो होंगे यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको एक पिक्चर मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पिक्चर को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से चले मैं उस पिक्चर को पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह का पिक्चर है, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए इस पिक्चर को ऐड कर ले रहा हूँ। तो ये रहा गाइस पिक्चर, इसे सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये वाटरफॉल वाला बैकग्राउंड PNG पिक्चर है, तो इसे देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, देन यस करेंगे, अब करना है इस पर क्लिक, इसके साइज को ऐसे बड़ा कर लेना, जितना बार आप क्रिएट करना चाहते हैं स्टेटस वीडियो उतना बड़ा कर लेंगे। देन फर्स्ट में खींचेंगे, करेंगे इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद कैंची के बगल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और सिंपल से क्लिक करने के बाद इसके साइज को आपको तो ऐसे एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से है ना, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद देन यहाँ से यस कर देना, उसके बाद देन यहाँ से यस कर देंगे, देख सकते हैं। अब देन यहाँ पे फर्स्ट में रहने देना है, करना है लेयर पे क्लिक, मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद करना कि यहाँ से गए हमें जो है एक PNG पिक्चर ऐड करना होगा, जो कि जो है फ्लावर वाला PNG पिक्चर है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसे ब्लॉग पोस्ट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे। तो इसे इस तरीके से इसके साइज को ऐसे जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और ऐसे हल्का सा और इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, है ना। तो ऐसे आप यहाँ से बड़ा करके, और यहाँ से करना क्या है, बस आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, अब करना है देन इसे पूरे वीडियो को एंड तक खिसका लेना है, एंड तक खिसका लेंगे। उसके बाद फर्स्ट में खिसकाएंगे, करेंगे लेयर पर क्लिक, मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद करना है कि यहाँ से गाइस यहाँ से आप जिस फोटो पे लगाना चाहते हैं, जिस भी गर्ल का फोटो, उस गर्ल का फोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक गर्ल का फोटो ऐड कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह के गर्ल का फोटो है, देन मैंने सेलेक्ट किया। अब कर लेंगे इसे पूरे वीडियो को एंड तक खिसका लेंगे, फर्स्ट में खिसकाएंगे, करेंगे इस पर क्लिक, और यहाँ से देखिए क्रॉपिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और देन इस मास्क को इनेबल करेंगे, फेदर को कर लेना आपको कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से 35 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, फिर करेंगे इस पर क्लिक, और इसके साइज को ऐसे बड़ा करेंगे, और यहाँ से लाकर यहाँ से आपको एडजस्ट कर देना, हल्का सा छोटा कर लेंगे, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, है ना, एडजस्ट हो चुका है। अब करना है क्या, देन इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ये देख सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट हो गए। अब यहाँ से जो भी पिक्चर लगाना चाहते हैं, अपना पिक्चर या किसी भी पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, और देन यहाँ से जो पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, अगर अपना फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो तो अपना फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से कि ये वाला फोटो ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देन इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज को ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से, और हल्का सा इसे नीचे ले लेंगे, ऐसे यहाँ पे घिसका लेंगे, ये देखिए घिसका लेंगे। अब इसे कर लेना है पूरे वीडियो को एंड तक घिसका लेना है ना। उसके बाद फर्स्ट में खिसकाएंगे, करेंगे लेयर पर क्लिक, मीडिया पे, और सिंपली से मीडिया पर क्लिक कर लेने के बाद करना है कि यहाँ से गाइस यहाँ से हमें एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करना होगा, जो कि कुछ इस तरह का टेम्पलेट वीडियो, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जो कि आपको डाउनलोड करने में भी बहुत ही ईजी है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देन इसमें थोड़ा ट्रिम करना होगा तो कैंची पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर काटेंगे। अब इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसके साउंड को तो पहले म्यूट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से यस करना है। अब इसे इधर फर्स्ट में खिसकाएंगे, करेंगे इस पर क्लिक, इसके साइज को पूरा फुल स्क्रीन करेंगे, बैक आएंगे, और देन बैक आने के बाद करना क्या, गाइस नीचे आना आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, और ये कर लेंगे स्क्रीन, ये देखिए स्क्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ से जो भी लिरिक्स वीडियो ऐड करना चाहते हो, उस लिरिक्स वीडियो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो लिरिक्स वीडियो अपने सॉन्ग जो है अपने चूज का ऐड करना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पे बहुत से लिरिक्स वीडियो मिल जाएगा, ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो, आप वहाँ से डाउनलोड कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से चले मैं कोई सा जो है लिरिक्स वीडियो आपको एग्जाम्पल के लिए ऐड करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से चले मैं कि ये वाला जो है लिरिक्स वीडियो ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे।
आप करना है देन इस पर क्लिक, और देखिए कुछ इस तरीके से ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद देन यहाँ से यस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज को गाइस कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है ऐसे, और देन यहाँ से इसे नीचे यहाँ पे ला कर गए यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये लिरिक्स वीडियो इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो देख सकते हैं ऐसे यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से गाइस हमारा वीडियो जो बनकर तैयार हो चुका है, अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब इसे यहाँ से सेव करने के लिए करना कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर देन इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल से क्लिक कर लेने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपको वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करना है, फ्रेम रेट ये देखिए, ये आपको फ्रेम रेट 30 रहने देना है, ये 30 है ना, और 30 रहने देने के बाद उसके बाद नीचे गए आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ से चले इस एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं गाइस वीडियो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।